आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ, वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंच गई है। हाल ही में मेक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर की मिली एस्टेरॉयड की धूल से पता चला है कि इस महान विशालकाय अंतरिक्ष की चट्टान ने 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। डायनासोर के लुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 92 स्थानों में भूगर्भिक परत के नमूनों का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्र में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है इसी कारण वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब जैसे बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों का भारी नुकसान पहुंचा। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कोशरूपी जीव थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों का पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। लेकिन भारत और चीन के साथ डायनासोरों का खास संबंध रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां पृथ्वी पर अन्य जगहों से डायनासोर लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे, वही भारत और चीन की धरती पर इसके बाद भी विचरण करते रहे। अब सवाल है, डायनासोर का जन्म कैसे हुआ? नए अध्ययन में सामने आया है कि 23 करोड़ वर्ष पहले जब बड़े पैमाने पर जीव पृथ्वी से लापता होने लगे थे, तभी डायनासोर का विस्तार होना शुरू हो गया था। इससे पृथ्वी पर डायनासोर का नामो निशान नहीं होने से लेकर इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने का पता चलता है। अब सवाल है, कैसे हुआ डायनासोर का अंत? जब खत्म हुए डायनासोर, कैसा था पृथ्वी पर वो आखिरी दिन? आखिर डायनासोर की मौत कैसे हुई? क्या आज भी हमारे बीच डायनासोर की कोई प्रजाति जिंदा है? डायनासोर जानवरों का अस्तित्व पृथ्वी पर मानव प्रजाति के जन्म से बहुत पहले हुआ करता था। ये विशालकाय जानवर बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और अपनी हुकूमत चलाते रहे, और फिर किसी कारण से इनकी प्रजातियों का पूरी तरह से खात्मा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे डायनासोर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और उनके खत्म होने के कारणों के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं इस तरह की रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। क्या डायनासोर की उत्पत्ति दोबारा संभव है? डायनासोर को फिर से जिंदा करने के लिए हमको डायनासोर का डीएनए चाहिए। डायनासोर की डीएनए, डायनासोर की हड्डियों तो लाखों साल तक खुदाई करके हमको मिल जाती है, लेकिन डीएनए के लिए हमको इसके सेल चाहिए जो कि बाल या मांस वगैरह में होती है। जितनी भी खोज हुई है उसके मुताबिक डायनासोर का डीएनए मिलना असंभव लगता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अधिक से अधिक 10 लाख साल तक किसी डीएनए को सुरक्षित पा सकते हैं। डायनासोर को मरे हुए 650 लाख साल हो गए, क्या डीएनए को बर्फीली जगह पर नहीं खोज सकते? आज भी वैज्ञानिक ऐसी जगहों पर खोज कर रहे हैं जो बर्फ में ढकी हो। बर्फीली जगह डायनासोर के सेल को पा सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। 650 लाख साल में हमारा पर्यावरण इतना बदल चुका है कि जहां उस समय बर्फ होती थी वो आज किसी सूखे की जगह या समुद्र की गहराई में है। कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड के कुछ वैज्ञानिक एक डायनासोर के प्रोटीन को निकालने में सफल रहे, लेकिन ये सिर्फ प्रोटीन है, डीएनए नहीं, और इस पर भी काफ़ी बात विवाद है। डायनासोर से मिलता जुलता डीएनए किस जीव का है? अगर हम डायनासोर से जो जीव उत्पन्न हुए उनको देखें, तो इसमें सारी चिड़िया और खास करके मुर्गा
उन्हीं की वंश का है। वैज्ञानिक मुर्गे का, कछुए का और गिरगिट के डीएनए का अध्ययन कर रहे हैं ताकि पता लगा सके कि डायनासोर का डीएनए कब और कैसे बदला। पैंड के रेजिन से एक पेड़ उस समय हुआ करता था जिसके रेजिन ऐसे होते थे, यही रेजिन सूखकर ऐसे हो जाता है। ये मच्छर 200 लाख साल इसके अंदर बंद था। अगर इस मच्छर ने मरने से पहले किसी डायनासोर को काटा हो तो शायद उसका खून इसके अंदर फंस के अगर स्टोन बन जाए तो हम उसे आज भी निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ खून निकलने से ज़रूरी नहीं कि हमको डीएनए मिल जाए। तो क्या हम कभी डायनासोर को जिंदा नहीं कर सकते? ये असंभव नहीं है। आज मशीन लर्निंग का उपयोग करके लोग बहुत प्राचीन डीएनए से बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग की एक नई फील्ड है जिसे डीप लर्निंग फॉर जीनोमिक कहते हैं। हमारे आशावादी विचार से शायद एक दिन हम मशीन लर्निंग का प्रयोग करके डायनासोर के डीएनए बना सके। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।